And session is live, so you can start your session. Hello everyone, my name is Pooja Thakur and I'm live from Ashana Angan Imrana. Today I'm making two recipes, cheesy cheese canapes and golden cabbage fritters. Let's start. अभी हम स्टार्ट करेंगे चीजी चीज कैनेपीज की मैरिनेशन के लिए. मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे हम. उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए. दोनों चार चीजी चीज कैनेपीज के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए. सबसे पहले ऑयल, कर्ड और टोमेटो, कैप्सिकम, कॉर्न्स एंड दिस इज नमक, मिर्च, कसूरी मेथी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, चाट मसाला एंड थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट एंड लेमन जूस, हिंग पाउडर. तो सबसे पहले हम एक बाउल में 2 चम्मच ऑयल लेंगे. ये मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है, ये स्मोक्ड मस्टर्ड ऑयल है. आपको रॉ नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा स्मोक कर लेना है इसको, उसके बाद आपने यूज करना है. इसमें हम देगी मिर्च डालेंगे. अगर आप तीखा पसंद करते हैं थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हैं, मैं जरा सी डालूंगी. और इसको हम मिक्स करेंगे. अब इसमें हम जरा सा नमक, हमने व्हाइट सॉल्ट थोड़ा सा डालना है बिकॉज हमने ब्लैक सॉल्ट भी ऐड करना है, इसलिए आप जरा सा डालिए, ज्यादा नहीं डालना. गरम मसाला जरा सा चाट मसाला, काला नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट. ये मेन इंग्रेडिएंट है मैरिनेशन में, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसे आप जरूर ज्यादा लें, ये मिस मत कीजिएगा. अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से. अब इसमें हम जरा सी कसूरी मेथी डालेंगे. जरा सा हींग पाउडर, बिल्कुल जरा सा डालना है आपको. वन स्पून लेमन जूस. अब हम इसमें जरा सा दही ऐड करेंगे. मैम क्या किया है आपने अभी तक?
मैंने मैंने मैम एक मस्टर्ड ऑयल लिया है. मस्टर्ड ऑयल में मैंने सारे ड्राई मसाला ऐड कर लिए हैं, जिसमें कि हमारा नमक, रेड चिली पाउडर एंड ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला, गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कसूरी मेथी एंड लेमन जूस और हींग पाउडर जरा था, वो मैंने ऐड किया है. अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. उसके बाद हमने लास्ट में कर्ड ऐड करना. ये थिक कर्ड होना चाहिए, वॉटरी नहीं होना चाहिए. हम कर्ड भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज रेडीमेड ले रहे हैं तो आप थिक ही मिलेगा आपको. ये सब कुछ मिक्स हो गया है. अब हम इसमें अपना कॉटेज चीज, जिसे हम घर में पनीर बोलते हैं, वो ऐड करेंगे. ये मैंने बहुत छोटा छोटा स्लाइस किया, डाइस किया है. आपको ज्यादा बड़ा नहीं रखना है इसको, बिल्कुल छोटा छोटा आपने डाइस करना है. अब इस मिक्सचर में हम इसे डाल देंगे, कैप्सिकम. आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स को. टोमेटो एंड ये स्टीम, थोड़ा सा मैंने गर्म पानी में इनको सोक कर दिया था, तो ये तो हो चुके हैं. अभी आप इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज मेरे बच्चों ने खाना है तो मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ. ठीक है, आप इसमें ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, थोड़ा सा चिली फ्लेवर, थोड़ा स्पाइसी सा हो जाएगा. अब हम इस मैरिनेशन को ढककर रख देंगे. 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको ढककर रख देना. अब हम जो सेकंड रेसिपी है हमारी गोल्डन कैबेज फ्रिटर्स, उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं. इसके लिए हमें कैबेज चाहिए जो हमने चॉप करके रखी है. हाँ, ये मैंने ग्रेट करके रखी हुई है. अब इसमें मुझे बेसन ऐड करना है. मुझे बेसन उतना ही ऐड करना है कि जिससे ये मिक्सचर बाइंड हो जाए. इससे ज्यादा हमें नहीं डालना है, कि नहीं तो फिर उसका फ्लेवर जो कैबेज का होता है वो कम हो जाता है. हमें बिल्कुल जरा सा डालना है इसको. और इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे अगेन. इसमें हमारा जाएगा नमक, रेड चिली पाउडर जरा सी हम इसमें हल्दी भी ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है. गरम मसाला,
There is a chat masala. अच्छा एक इसमें जितना की पहले वाली रेसिपी में मैंने बताया था जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत जरूरी है, उसी तरह से इसमें इस रेसिपी में हींग बहुत जरूरी है, हींग पाउडर। उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, प्लस जिनको गैस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है या बेसन डाइजेस्ट नहीं होता इसलिए उनके लिए भी अच्छा रहता है। साथ ही हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे इसमें, या थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं। धनिया चॉप्ड, अब हमने इसको इसमें हो गया है नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला एंड लेमन जूस, थोड़ा सा हम इसमें लेमन जूस डालेंगे 1 स्पून। हम अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सॉरी मैडम, क्या बताया आपने, क्या क्या डाला? ये मैंने ग्रेटेड कैबेज लिए, उस कैबेज में मैंने पत्ता गोभी में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, नींबू जूस, लेमन जूस, धनिया धनिया चॉप और हींग पाउडर और बेसन, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है पत्ता गोभी और बेसन, वो ऐड किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीनवाइल हमें क्या करना है, इसको स्टीम करना होगा, इसलिए हम इस पहले गैस पर स्टीमिंग के लिए कुछ रख लेते हैं। मेरे पास ये कढ़ाई है, मैं कढ़ाई में स्टीम करती हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर मैं ये छलनी रख देती हूँ। वापिस आते हैं, अब हम इस मिक्सचर को बाइंड कर लेंगे अच्छे से। आप एक चीज का ध्यान रखिए कि ये जो रेसिपी है, हम वैसे तो नॉर्मली क्या करते हैं, किसी भी कुछ भी हम बनाते हैं तो उसमें कैप्सिकम ऐड कर देते हैं और न्यूट्रिशन के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ हम ऐड कर देते हैं कि बच्चे कहें, लेकिन इस मेन रेसिपी में आपने कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ कैबेज की बनती है, अगर आप इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो फ्लेवर चला जाएगा कैबेज का, और ये मेन रेसिपी का जो फ्लेवर है वो चला जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं ऐड करना है, जस्ट इसमें आपका गार्लिक पेस्ट, हींग पाउडर और कैबेज और बेसन, कोरिएंडर भी आपको, ये पत्ता जो मैंने डाला है धनिया का वो भी आपके ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। हम इसे हाथ से देखेंगे कि ये कितना बाइंड अच्छे से हो रहा है। इसमें थोड़ा सा पत्ता को भी हम अभी और डाल सकते हैं। हेलो पूजा मैम। यस मैम। पत्ता गोभी पे ब्लेड किए तो उसका पानी निकला, वो पानी निकाल देना दबा के। भाभी आप निकाल दीजिए, मैम निकाल दीजिए, अदरवाइज आपका क्या है कि अगर पानी वो ज्यादा बारीक करेंगे ना आप तो पानी छोड़ती है, आप ये मोटी साइड से कीजिए। ये जो ग्रेटर है चीनी वाली साइड से आप कीजिए। अच्छा, अगर आप बारीक वाली साइड से करेंगे तो पानी निकलेगा। ओके, और जब आप वॉश करते हैं ना कैबेज को तो उसको आप बिना ग्रेट करें पहले थोड़ा पानी सूखने दीजिए, उसके बाद ग्रेट कीजिए। ओके, फिर
फिर उसका पानी नहीं छूटेगा बिल्कुल भी। अभी नमक डालने के बाद जरूर थोड़ा सा ढीला हो जाता है ये, इसलिए हमें कैबेज की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ती है इसमें। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, इधर हमारा पानी भी गर्म हो गया है। मैंने ये पत्ता गोभी की बॉल्स कट कर लिए हैं, सो दैट जो भी मैं फ्रिटर्स बनाऊंगी वो हम इसमें आराम से रख सकते हैं। तो इसको हमने ऐसे सेट कर देना। अब हम फटाफट से, मैंने ग्रीस कर लिया अपने हैंड्स को और अब मैं छोटी छोटी इसकी पैटीज बनाऊंगी। इस टाइप की। अब मैं इनके बीच में इनको रख, आपके पास अगर स्टीमर है तो आप स्टीमिंग स्टीमर में भी कर सकते हैं स्टीमिंग। इस तरह से पैटी बनाकर हमने इसको स्टीम कर, इस तरह से हमने रख दिया है और अब हम इसको कवर कर देंगे। 5 to 10 minutes या 10 to 15 minutes में ये रेडी हो जाएगा। जब तक ये स्टीम हो रहे हैं इधर, तब तक हम जो हमने मैरिनेशन की थी उसको वापस आते हैं। ये देखिए, ये मैरिनेशन हमारी तैयार है, फिलिंग हमारे बिल्कुल रेडी है। अब हमने 2 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए। एक स्लाइस को हमने थोड़ा बड़े साइज का सर्कल कट करना है। लाइक दिस।
और दूसरी ब्रेड का हमने छोटा थोड़ा उसे छोटा करना है। आप कुछ भी कटर, गिलास, कटोरी, कुछ भी जो जिसका शार्प है जो वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो हमने ये दो बड़े वाले किए हैं इसमें आप अगेन ये गिलास से एक कट करेंगे। इस तरह से आपको रिंग कट करना है। इसी तरह आप सभी ब्रेड को जितने भी आपको कैनेपीज बनानी है आपको रिंग कर सकते हैं। आपको कैरी पीस बनाने हैं उसके लिए आपको उतने ही पीस पहले बड़े कर लीजिए और फिर उसके हाफ क्वांटिटी का आप छोटे राउंड ये रिंग्स बना लीजिए। जैसे ये एक के ऊपर एक ही हमारा एक कैरी पीस तैयार होगी। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं भी। पूछना है किसी को कुछ? अब हमने जो बड़े वाला रिंग सर्कल कट किया है वो लेना है और इसके ऊपर ये मेयोनीज लगानी है। मेयोनीज लगाने के बाद हम इस पर जरा सा ये पिज्जा सॉस है ये लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो इसे अवॉइड कर सकते हैं।
अब हम इस पर ये रिंग्स रखेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया है? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। लगता है सबको समझ में आ रहा है। कोई बना रहे हैं इंदौर साथ में मेरे? हेलो, हेलो रति, हेलो। यस मैम, किसी को कुछ पूछना हो अभी तक किसी चीज में तो पूछ सकते हैं। कोई बना रहा है मेरे साथ सर अभी? नहीं मैम, पूरा सामान नहीं है घर पे, सामान आएगा रात में तब बनेगा। ओके मैम, ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी कंफ्यूजन तो है ना एसटी में आपको अभी तक? नहीं नहीं मैं भी बनाऊंगी बाद में, सामान लेने। अब देखिए ये हमारा ना ये रिंग ऐसे रेडी हो गया है। तो इसमें हमने ये जो हमने मैरिनेटेड मैरिनेट करके चीज कॉर्न कैप्सिकम ये जो मिक्सचर है इसको हमने फिल कर देना है। इसमें क्या क्या डाला है, ये क्या क्या चीज क्या डाला है इसमें आपने मैरिनेट किया? एक मिनट मैम बताती हूँ। ये मैंने ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल 2 चम्मच, उसके अंदर देगी मिर्च, काला नमक। अच्छा ये आप बताया था, अभी बताया था, वही ना? हाँ वो जो मैरिनेट करके रखा था ना 10-15 मिनट के लिए हमने की रेस्ट करने के लिए, उसके बाद ये वही पत्ता गोभी वगैरह। नहीं नहीं पत्ता गोभी वाला नहीं है ये पत्ता गोभी वाला स्टीम हो रहा है अभी। इसका बताऊं मैरिनेशन का? हाँ मैरिनेट का, जो अभी आप डाल रहे हैं ये है। सबसे पहले बाउल में ऑयल लेना है, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है स्मोक्ड, कच्चा रॉ नहीं लेना आपको। उसमें फिर देगी मिर्च डाल दिए, नमक और काली, अगर आप ब्लैक पेपर यूज करना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें लेमन जूस, लाल रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, हींग पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, पनीर को पनीर लास्ट में डाला है मैंने, पहले सब स्पाइसेस ऐड किए हैं उसमें, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कसूरी मेथी और दही। ठीक है, आपको यूज करना है। आप पनीर टिक्का खाते हैं ना मार्केट में? हल्दी नहीं डाला है ना इसमें? नहीं इसमें हल्दी नहीं डलेगा मैम, पनीर टिक्का में हल्दी नहीं डलेगा, ये पनीर टिक्का सॉरी मैरिनेशन में नहीं डलेगा। और ये आप जो मार्केट में पनीर टिक्का खाते हैं ना ये एग्जैक्टली सेम मैरिनेशन उनका यही रहता है। इसको हम इनमें फिल कर रहे हैं। अब ये मैंने ब्रेड लिए है, ब्रेड को मैंने 2 तरीके से कट किया था, एक ऐसे और एक ऐसे रिंग बनाकर। तो मैंने इस बेस पर मैंने मेयोनीज लगाई है, पिज्जा सॉस लगाई है और उसके बाद मैंने ये रिंग ऐसे रख दिया उसके ऊपर। अब उसके बाद में जो मैरिनेटेड मिक्सचर था हमारा वो मैं इसमें फिल कर रही हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मीनाक्षी बनाओ, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बनाऊंगी भाभी, मन चल रहा है बनाऊंगी। हाँ खुशबू, मुझे तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। आप वही हो क्या? हाँ कभी हम तो वही आज कर देंगे। अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि फोन पे खुशबू आ जाए। मैं कैमरा मैन हूँ, कैमरा वुमन। वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये जो हमारा बन गया है इसके ऊपर हम मोजरेला चीज डालेंगे।
ये सबसे इजी रेसिपी है और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। आप कभी भी घर में ब्रेड हो तो सिंपली, अब देखिए ये तो एक रेसिपी जो होती है एक्सपर्ट रेसिपी वो है, अदरवाइज आप कम इंग्रेडिएंट्स के साथ भी इसे बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही सब इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं आप, आपके पास जो भी अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं उनके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते। पता है ये चीज डाली है ना, अभी तो ये बना नहीं है, मेरे नजर के सामने तो आने लग गया कि ये बन चुका है, कितना सुंदर लग रहा मुंह में होगा। पानी आ रहा है, मुंह में मैक्सिमम पानी में आ रहा पानी है। आ रहा लग हाँ रहा है। हाँ बहुत अच्छा बनने वाला है। कौन यमी यमी से टेस्टी। दूर हट के पानी गिराना। ना जैसे कान्हा जी को भोग लगाते हैं, उनके आगे रख देते हैं, फिर बाद में वो खा लेते हैं खुद पे। हमारा तो पेट वैसे भरने वाला नहीं। फिर कोई बात नहीं, आप जल्दी से बनाइए और खाइए। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ओके क्या लगाना बाकी, अब तो सेकना होगा तवे पे। अगर कोई साथ में बना रहे हैं तो इस पर भी नजर रखिएगा, ये स्टीम हो रहे हैं अभी। अच्छा ये मेल्टेड बटर है, इसे हम ब्रेड के ऊपर ऊपर थोड़ा सा साइड्स पर लगा देंगे फॉर अ गोल्डन क्रस्ट। बेकिंग ट्रे लेंगे, इसको भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे बटर से। इधर मैंने माइक्रोवेव प्री हीटिंग के लिए रख दिया है 180। इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑरिगेनो और ये ऑप्शनल है, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। स्टफ्ड पिज्जा बन गया।
उधर माइक्रोवेव मेरा हो चुका है। मैं ये हाई साइड पर इसको रख दूंगी। फॉर 10 to 15 मिनट्स वो हमें चेक करना होगा कि चीज मेल्ट कब होता है। मैम ये क्या माइक्रोवेव प्री हीट करना है? यस मैम, यस मैम, 180 डिग्री पर प्री हीट करना है। कितने टाइम पहले करना पड़ता है प्री हीट? मैम वो आप जब प्री हीट मोड पे आप उसको डालेंगे ना तो वो अपने आप ही टाइम के बाद आपको पीप देता है। प्री हीट करके फिर जब रखेंगे तो रखने के बाद भी 10-15 मिनट्स लगेंगे उसको? नहीं आप उसको ऑन कर दीजिए ना वो हमें, हाँ 10-15 मिनट्स तब लगेंगे, अभी तो उसको होने है ना वेट। ठीक है ओके, प्रीहीट मोड पे हमने उसको रखना है। हेलो मैम ये माइक्रोवेव में कर रही है ओटीजी में? ये माइक्रोवेव है मैम, कन्वेक्शन माइक्रोवेव, कन्वेक्शन में। ओके 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 इतनी हमारी वो हो रही है तो हम ये देख लेते हैं। हमने 10-15 मिनट के बाद बंद कर दी थी गैस, जो हमने फ्रिटर्स के लिए कैबेज वाला किया था ना, स्टीम के लिए रखा था। ये स्टीम हो चुके हैं। ये देखिए थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। अभी तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, कोई डाउट है किसी को? नहीं मैम कोई डाउट नहीं है। थैंक यू मैम। देखिए अब हम इसको तीन तरीके से खा सकते हैं। एक तो हम इसे ऐसे ही खा सकते हैं, पूरी तरह से पक चुका है, स्टीम्ड है और बहुत ही फ्लेवरफुल है, ठीक है। और सेकंड हम इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। थर्ड जो मैं करने जा रही हूँ शेलो फ्राई, हमें ज्यादा डीप फ्राई नहीं करना है ना ही हमें रॉ खाना है, तो हम इसे शेलो फ्राई करेंगे। उसके लिए हमें मैम डीप फ्राई आफ्टर ये स्टीमिंग के बाद ना, स्टीम होने के बाद, स्टीम होने के बाद और ठंडा होने के बाद। ओके आप डीप फ्राई करते हैं तो उसको ठंडा होने दीजिए पूरी तरह से, और अगर आपको शेलो फ्राई करना है तो थोड़ा मीडियम चल जाएगा, इसके लिए ज्यादा ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके थैंक यू। उसे डीप फ्राई ही करना था, दैट्स व्हाई उसके बाद ही फ्रिटर्स कहलाते हैं, बट अभी टाइम नहीं है तो ये ठंडा होने में काफी टाइम लेते हैं, तो इसलिए हम इसे शेलो फ्राई कर दें।
हम इसे बटर से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा क्रिस्पी और वो कहते हैं ना फ्राइड सेमी फ्राइड लुक चाहिए तो आप इसमें मस्टर्ड ऑयल डालिए, मस्टर्ड ऑयल काफी सारा डाल लीजिए, जिससे हम टिक्की करते हैं ना फ्राई शॉप्स पर टिक्की फ्राई करते हैं शैलो फ्राई, उस तरह से कर सकते हैं, बट मुझे ज्यादा फ्राइड नहीं चाहिए इसलिए मैं ये बटर लगा रही हूँ। इसमें हम इसको रख देंगे। हम इसे फुल फ्लेम पर भी कर सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी ये कुक्ड है तो हमें वो पकाने वाला तो कुछ करना नहीं है, पकाना है इसको तो हमें स्लो फ्लेम पर करना है, तो आप फुल फ्लेम पर भी कर सकते हैं।
अभी हमारे पास मेरा ऑलमोस्ट मतलब दोनों चीजें रेडी हैं। ओके मैम हाथ में ले लीजिए, मैं पिक्चर प्ले कर लेती हूँ। एक मिनट रुको, हमें 10 मिनट बचे हुए हैं, हम एक गिफ्ट रेडी कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है? हाँ हाँ प्लीज। हाँ हाँ ओके। मेरे पास ये म्यूनिश की बच्ची मेरे पास जो मेयोनीज मेरी बची हुई थी मैंने वो ली है, पिज्जा सॉस ली है, इसे हम मिक्स कर देंगे। इसमें ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, जरा सा लेमन जूस, ये डालकर हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है हमारी डिप रेडी हो गई है। एक और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट दोनों रेसिपीज में? नहीं मैम, नो मैम, कोई डाउट नहीं है, दिस इज रियली अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा पूजा जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मुझे दिखाना है, बहुत अच्छा बना पूजा जी, एक सेकंड, बहुत अच्छा लग रहा है पूजा जी, मैम थोड़ा सा पीछे हो ना, थोड़ा सा बस 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 डन मैम, और मुझे बताइए कि देखने में तो अच्छी है, खाने में कैसी है? मेरा भी दिखा दीजिए ना। हाँ जी एक मिनट कविता मैम दिखा रही।